हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भिवानी में एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि ये महिला रूपगढ़ गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति पहले महिला के साथ दुष्कर्म भी कर चुका है और जिसकी सजा उसे न्यायालय ने दे दी है। फिलहाल वो हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले चंडीगढ़ पुलिस में था। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी की पुलिस के साथ साठगांठ होने के कारण पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और वहीं थाना सदर पुलिस के प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि महिला की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पे 100 नंबर पे कॉल आई थी, माया जो रूपगढ़ की रहने वाली है उसके ऊपर हेड कांस्टेबल कुलदीप को भेजा गया था, उसके द्वारा शिकायत दी गई है, दोनों पक्षों को बुलाया गया था। इन दोनों पक्षों का आपसी का 4-5 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको माया के साथ रेप के आरोप में 10 साल की सजा हुई है, जो माननीय हाई कोर्ट से जमानत पे है, उसी पर आज छेड़खानी का आरोप लगाया है। अभी हमारे को शिकायत मिली है जिसके ऊपर FIR करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।